हेलो दोस्तों, हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हुआ हैंड सैनिटाइजर्स का इन्वेंशन, कौन थी वो महान हस्ती जिसने हमें दिया ये पॉकेट में रॉकेट का गिफ्ट। बिना पानी और बिना साबुन सफाई एजेंट की सबसे पहली और प्रमुख खोज 1875 में हुई। इस्टोनिया के यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू के एक छात्र लियोनिद बुकोल्स ने स्पष्ट रूप से बताया कि इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, उसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। पर आज उपयोग में लाए जाने वाले पॉकेट फ्रेंडली सैनिटाइजर्स इससे काफ़ी अलग हैं। हैंड सैनिटाइजर्स के आविष्कार के बारे में कई कहानियाँ सामने आई। 2012 में ब्रिटिश अखबार दी गार्जियन में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक हैंड सैनिटाइजर्स का आविष्कार कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड शहर में हुआ था। लेख को लिखने वाले थे लॉरा बार्टन। लॉरा बार्टन के द्वारा लिखे गए इस लेख के अनुसार कहानी 1966 में शुरू हुई, जब ल्यूक हार्नरेस एक नर्सिंग की छात्रा ने बताया कि अगर किसी जेल, जो कि त्वचा के लिए सुरक्षित है, उसमें 60-65% अल्कोहल मिला दिया जाए तो बिना पानी और बिना साबुन के हाथ साफ किया जा सकता है। वो नहीं जानते थे कि एक दिन ये हैंड सैनिटाइजर का मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने बस इतना ही सोचा कि ये लोगों के बहुत काम आने वाला प्रोडक्ट है। वे इसे पेटेंट कराना चाहते थे। बार्टन के अनुसार उन्होंने इन्वेंशन हॉटलाइन पर कॉल भी किया। वे पेटेंट कराने की पूरी विधि जानना चाहती थी। 2020 में कोरोना वायरस महामारी के बाद हैंड सैनिटाइजर्स का मार्केट बहुत अप हुआ। लोग हैंड सैनिटाइजर्स के आविष्कारक के बारे में सही जानकारी चाहते थे। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के रिसर्चर्स ने पुराने रिकॉर्ड्स छाने और 2012 में लॉरा बार्टन ने जिस ल्यूक हार्नरेस के बारे में बताया था उसके नाम के पेटेंट्स का सर्च शुरू किया। जब म्यूजियम की टीम ने पता लगाया तो यह सामने आया कि ल्यूक हार्नरेस, जिसको 2012 के रिपोर्ट में एक औरत बताया जा रहा था, कई लोग उसे पुरुष होने का दावा कर रहे थे। रिकॉर्ड्स देखने पर पता चला कि उस नाम से हैंड सैनिटाइजर के लिए कोई भी अमेरिकन पेटेंट फाइल नहीं है। देश भर के मीडिया आउटलेट्स ने हार्नरेस की खोज पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रुकफील्ड के इतिहासकारों, लाइब्रेरियंस और पुराने लोगों से पूछताछ करना शुरू किया, पर ऐसा कोई नहीं था जिसे ल्यूक हार्नरेस के बारे में सच्ची सच्ची कहानी पता हो। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कम से कम 30 लोग ऐसे थे जिनका नाम ल्यूक हार्नरेस था। जब जर्नलिस्ट लॉरा बार्टन से इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें सही से याद नहीं है कि ये बात उन्हें किसने बताई थी। तो आखिर कौन था हैंड सैनिटाइजर्स का आविष्कारक? कोरोना के बाद हैंड सैनिटाइजर्स की बढ़ती डिमांड के कारण ये रहस्य और भी गहरा होता चला गया। आखिर यूएस गवर्नमेंट के पास किसी ने तो हैंड सैनिटाइजर का पेटेंट कराया होगा। हैंड सैनिटाइजर्स के नाम पर यूएस में काफ़ी सारे पेटेंट्स फाइल्ड हैं, बट ये सारे पेटेंट्स हैंड सैनिटाइजर मशीन का डिस्क्रिप्शन देते हैं। आज हम जिस जेल हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं उसका कोई भी उल्लेख यूएस पेटेंट में नहीं था। आगे चलते हैं 1988 की कहानी पर। गोल्डी एंड जेरोमी लिपमैन नाम के एक कपल ने गोजो नाम की एक कंपनी की नींव रखी। 1988 में प्योरल नाम से इन्होंने सबसे पहला कमर्शियल एंटीबैक्टीरियल हैंड जेल कॉपीराइट करवाया। जल्द ही अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रचार गवर्नमेंट भी करने लगी। 2000 तक यूएस के हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑफिस में ये एक ज़रूरत का सामान बन गया था। 2004 में फाइजर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने प्योरेल के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स गोजो कंपनी। फिर 2006 में जॉनसन एंड जॉनसन ने फाइजर का कंज्यूमर हेल्थ केयर डिवीजन खरीद लिया और अब प्योरेल जॉनसन एंड जॉनसन का हिस्सा बन गया था। पर 2010 में गोजो ने फिर प्योरेल के राइट्स जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से खरीद लिए। हालांकि कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर्स की डेथ हो चुकी थी, पर उनके सक्सेसर्स ने कंपनी को संभाले रखा। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर किसने हैंड सैनिटाइजर्स का सबसे पहले आविष्कार किया। क्या वो ल्यूक हार्नरेस थी? और थी तो इस चीज का कोई प्रूफ क्यों नहीं है? किसने ये सारी
क्या उस इन्वेस्टर हॉटलाइन ने ल्यूप का आइडिया किसी और को लीक कर दिया या ल्यूप असल में कोई थी ही नहीं। सैनिटाइजर्स का इन्वेंटर जो भी हो, पर सैनिटाइजर्स ना ही केवल रोग को फैलने से रोकते हैं बल्कि हमारे मन के डर को भी भगा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपको हैंड सैनिटाइजर्स के इन्वेंटर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें ज़रूर बताइएगा।